हेलो एवरीवन वेलकम अगेन इन लर्न विद दितिमन हम आज करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड और आरबीएससी की बुक से ज्योग्राफी सब्जेक्ट इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था इसका आंसर क्या है 1975 में भारत द्वारा जो पहला कृत्रिम उपग्रह था जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वो कब प्रक्षेपित की गई थी वो 1975 में क्वेश्चन नंबर टू राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वैधशाला स्थित है राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वैधशाला कहाँ स्थित है और हम सभी जानते हैं वो जयपुर में स्थित है क्वेश्चन नंबर थर्ड भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है इसका आंसर बताइए इसका आंसर है विक्रम सारा विक्रम सारा ने हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को काफी गति दी थी और इस काम को आगे बढ़ाने में उन्होंने काफी मदद की थी इसलिए इस श्रेय उन्हीं को जाता है क्वेश्चन नंबर फोर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता होती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता होती है तो बताइए इसका आंसर क्या है इसका आंसर है ग्यारह पॉइंट दो किलोमीटर प्रति सेकंड। ग्यारह पॉइंट दो किलोमीटर प्रति सेकंड। स्पीड से अगर किसी भी चीज को अगर फेंका जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह का नाम क्या रखा गया था भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा गया था इसका आंसर है आर्यभट्ट उन्नीस में भेजा गया था अब को अभी देखा था हमने पृथ्वी कृत्रिम उपग्रह कब भेजा गया था उन्नीस में और उसका नाम क्या था आर्यभट्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यह किसकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी स्थिर नहीं है यह किसकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी स्थिर नहीं है तो किसने कहा था ये हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं आर्यभट्ट ने वैज्ञानिक और संत भी रहे हैं आर्यभ्ट उन्होंने ये कहा था क्वेश्चन नंबर सेवन उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया कि उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया आंसर है आर्यभट्ट इसका आंसर क्या है आर्यभट्ट पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किसने किया पृथ्वी का सही परिधि का आकलन किसने किया यानी पृथ्वी की जो सर्कमफ्रेंस है पैरिमीटर है वो किसने नापा वो नापा था इराटोस्थने ने इराटो ने इसने क्वेश्चन नंबर नाइन सिद्धांत श्रोमणी पुस्तक के लेखक कौन है सिद्धांत श्रोमणी पुस्तक के लेखक कौन है ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित बुक है जिसमें काफी सिद्धांत लिखे गए थे और उसके लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय भास्कराचार्य सिद्धांत श्रोमणी पुस्तक लिखी थी क्वेश्चन नंबर टेन ऐसा किसका मानना था कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती है ऐसा किसका मानना था कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती है इसका आंसर क्या है इसका आंसर है भास्कराचार्य सर्वप्रथम ये बताया था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी चीजों को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है नेक्स्ट क्वेश्चन आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार किसने किया आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार किसने किया तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है गैलीलियो ने गैलीलियो का नाम आप सभी ने सुना होगा ये बहुत फेमस है और इन्होंने ही दूरबीन का आविष्कार किया था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देश की सबसे बड़ी दूरबीन का क्या नाम है भारत देश में जो सबसे बड़ी दूरबीन बनाई गई है उसका क्या नाम है और उसका नाम है मास्ट एम एस टी फॉर्म में एमएसटी कहा जाता है बाकी इसका फुल फॉर्म है मल्... मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप और ये कहा स्थित है क्वेश्चन नंबर थर्टीन मास्ट दूरबीन उदयपुर शहर के किस झील के टापू पर स्थापित की गई है मास्ट दूरबीन उदयपुर शहर के किस झील के टापू पर स्थापित की गई है जो मास्ट जो हमारे देश की सबसे बड़ी दूरबीन है वो उदयपुर शहर में स्थापित की गई और झील के टापू पर स्थापित की गई है तो वो किस झील के ऊपर स्थापित की गई आपको ये बताना है तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है फतेह सागर जो झील है उदयपुर की उस पर उसके जो टापू है उसके ऊपर ये मास्ट दूरबीन को स्थापित किया गया है फतेह सागर झील के ऊपर नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सवाई जयसिंह ने जयपुर में वैद्यशाला कब बनवाई सवाई जयसिंह ने जयपुर में वैद्यशाला कब बनवाई इसका आंसर बताइए इसका आंसर है सत्रह ईस्वी में इन्होंने सत्रह ईस्वी में भी इस वैद्यशाला का निर्माण करवाया क्वेश्चन नंबर 15 सवाई जयसिंह ने किन यंत्रों का आविष्कार किया देखिए ये हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आया था और ये काफी इम्पोर्टेंस रखता है हिस्ट्री के हिसाब से जीके के हिसाब से और साइंस के हिसाब से भी तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सवाई जयसिंह ने किन यंत्रों का आविष्कार कराया था तो वो आंसर क्या है इसका सम्राट यंत्र जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र ये तीनों यंत्र इसमें विशेष स्थान इनको प्राप्त है तो इसका निर्माण जो आविष्कार था वो सवाई जयसिंह ने करवाया था क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विश्व का पहला उपग्रह उन्नीस में स्पूतनिक प्रथम विश्व का पहला उपग्रह उन्नीस सौ में स्पूतनिक प्रथम को अंतरिक्ष में किस देश के द्वारा भेजा गया था इसको किस देश ने भेजा था इसको भेजा था रूस ने इसका आंसर क्या है रूस क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था अंतरिक्ष में प्रथम भेजे गए व्यक्ति थे यूरिगाग्रीन और यूरी गाग्रेन उन्नीस में इनको सर्वप्रथम भेजा गया था ये केवल अंतरिक्ष तक ही जा पाए थे उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की प्रथम व्यक्ति चांद पर कदम रखने वाले कौन थे प्रथम व्यक्ति चांद पर कदम रखने वाले कौन थे तो आपने देखा इसमें जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे वो तो यूरी गग्रेन थे लेकिन जो चांद पर गए थे वो आप सभी जानते हैं वो कौन थे नील आर्म स्ट्रॉन्ग थे और वो नाइनटीन में गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की तो विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे गागरिन और भारत के कौन है राकेश शर्मा राकेश शर्मा ने उन्नीस में प्रथम बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी नेक्स्ट क्वेश्चन मंगलयान अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया मंगलयान अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया और इसका आंसर क्या है आप सभी जानते हैं 2013 में हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था मंगलयान को 2013 में हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से तो इसी के साथ आपका इस चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे तो इसी के साथ इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए फैक्ट्स के साथ तब तक के लिए थैंक यू